हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। बेस्ट गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको पावरफुल गेमिंग फोन देखने को मिलेंगे इस प्राइस के अकॉर्डिंग। साथ ही यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा और वो भी अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ। बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी इस प्राइस के अकॉर्डिंग, आपको 6000 mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपने देख प्राइस के अकॉर्डिंग, आपको रैम और स्टोरेज काफ़ी बढ़िया देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 8GB तक की रैम देखने को मिलेगी स्मार्टफोन में और 128GB वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो स्मार्टफोन इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से निकल गया था, सैमसंग गैलेक्सी F13। इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 16 हर्ट्ज का फास्ट रेफ्रिजरेटर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 480 नीट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी है, 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, 3.5mm जैक है। प्रोसेसर की बात करें तो एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 8nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इस प्राइस के अकॉर्डिंग सैमसंग का One UI देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको नोक्स की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। LPDDR4X रैम है और eMMC 5.1 टाइप स्टोरेज है। इसके आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो कि 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज। 8GB वर्चुअल रैम आप पढ़ा पाएंगे। डेडिकेटेड सिम स्लॉट है, 1TB तक भी स्टोरेज कर सकते हैं इस स्मार्टफोन का। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले अच्छी देखने को मिल जाएगी, कैमरा भी अच्छा है इस प्राइस के अकॉर्डिंग और बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं मीडियम टू लो सेटिंग्स पर, लेकिन यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है परफॉर्मेंस को मैं टारगेट नहीं करता है। जिनको एक नॉन चाइनीज ब्रांड चाहिए, एक सिक्योर स्मार्टफोन चाहिए, तो वे लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। सैमसंग की तरफ से यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन में, स्टोरेज भी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इसकी मैंने प्राइस की बात कर लेते हैं तो 4GB RAM 64GB वाला वेरियंट 9500 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा और 4GB RAM 128GB वाला वेरियंट 10499 रुपये के प्राइस में आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा स्मार्टफोन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से निकल के आता है, इन्फिनिक्स हॉट 30i। इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 90 हर्ट्ज का फास्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट है। 180 हर्ट्ज का टच समथिंग रेट है और यहाँ पर आपको 560 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन में और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बैक साइड में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और प्लस AI लेंस, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। 1080p 30fps पर यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 5000 mAh की बैटरी है, 10W का फास्ट चार्जर, 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलियो G37 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो कि 4GB RAM 64GB और 8GB RAM 128GB, जहां पर आपको 8GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में और 1TB तक आप इस स्मार्टफोन का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। LPDDR4X रैम है और eMMC 5.1 टाइप स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल स्मार्टफोन की बात करें, डिस्प्ले यहाँ पर इस प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज है, कैमरा भी यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग एवरेज है, यहाँ पर आपको मीडियम गेमिंग देखने को मिल जाएगी। इसी स्मार्टफोन में आपको स्टोरेज अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो प्रॉपर एक एवरेज फ़ोन है। जो स्टोरेज के लिए अच्छा स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं इस प्राइस के अकॉर्डिंग और गेमिंग भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। इसके मैंने प्राइस की बात कर लेते हैं तो 4GB RAM वाला वेरियंट आपको 8199 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा और 8GB RAM वाला वेरियंट 9499 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्मार्टफोन है, जिनको एक ज़्यादा स्टोरेज वाला स्मार्टफोन चाहिए
तो वे लोग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है Redmi की तरफ से निकल के आता है Redmi Note 12 C। इस स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज का फास्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। IP52 की रेटिंग है। बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और डुअल AI कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का और प्लस AI ने से 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 1080p 30 FPS पर यहाँ पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 5000 mAh की बैटरी है, 10 वाट का फास्ट चार्जर और 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। प्रोसेसर में MediaTek Helio G85 का 12 nm बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 और MIUI 13 देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन के आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो कि 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम 128GB और 6GB रैम 128GB। 4GB रैम वाले वेरिएंट में आप 3GB वर्चुअल रैम बढ़ा पाएंगे और 6GB रैम वाले वेरिएंट में 5GB रैम बढ़ा सकते हैं। LPDDR4X रैम है और UFS 2.2 टाइप स्टोरेज देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें, इस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले डिसेंट देखने को मिलेगी। कैमरा इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको अच्छा देखने को मिलेगा, डिसेंट देखने को मिलेगा। बैटरी बैकअप अच्छा है, परफॉर्मेंस में भी आपको मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग करवा देगा स्मार्टफोन। यहाँ पर आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर BGMI खेल सकते हैं और कम प्राइस में आपको अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। इसकी मैं प्राइस की बात करें तो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 8,500 रुपये के प्राइस में देखने को मिलेगा, 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 9,500 रुपये की प्राइस में और 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 10,500 रुपये की प्राइस में। देखिए यहाँ पर आपको Amazon पे 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट कूपन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट 8,000 रुपये की प्राइस में और 120 वाला वेरिएंट 9,000 रुपये के प्राइस में और 6120 वाला वेरिएंट 10,000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है लावा की तरफ से निकल गया था, लावा प्लस 2। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज का फास्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बैक साइड में आपको ग्लास बैक डिज़ाइन देखने को मिलेगा और यहाँ पर डुअल AI कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का और प्लस 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। 5000 mAh की बैटरी है और 18 वाट का फास्ट चार्जर है। यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यूनिसॉक T616 का 12 nm बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गेमिंग की बात करें तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर आप गेमिंग खेल सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X रैम, UFS 2.2 टाइप स्टोरेज देखने को मिलेगा, 6GB रैम 128GB का बड़ा स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप 5GB वर्चुअल रैम बढ़ा पाएंगे, यानी कि 11GB तक कर सकते हैं। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लीन UI देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में और यहाँ पर डिस्प्ले डिसेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मूथनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस प्राइस के अकॉर्डिंग। बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कैमरा डिसेंट रहने वाला है, यहाँ पर आपको स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। तो इसकी मैंने प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आप इस स्मार्टफोन को 9000 रुपये के प्राइस में बाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफर में ये स्मार्टफोन आपको और सस्ता देखने को मिलेगा। तो आपका कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।